सिंधी बड़े दिल वाले लोग हैं और ये मैंने भी महसूस किया है। अगरचे सिंध की जितनी रिच सकाफत है, जितनी पुरानी तारीख है, जितने बड़े उनके असलाफ है, जितनी खूबसूरत उनकी तहजीब और फनूनी लतीफ़ा है, तो इन सब के होते हुए सिंधियों को मगरूर होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें इंसान को मगरूर बना देती हैं, लेकिन ये सिंधियों का कमाल है कि मगरूर बनाने की बजाय उसने उनको फ़कीरों के मिजाज वाला बना दिया और उसने उनको कुशादा दिल बना दिया। मसलन मैं और मेरी आइंदा नस्लें सिंधियों का शुक्रिया कभी भी अदा नहीं कर सकती कि इस वक्त अपने रिज़क की तलाश में और अपनों के हाथों अपने घरों से बेघर होने वालों को सिंध ने अपनी आगोश में जगह दी है। और पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर आज सिंधियों का कराची है। इसी तरह उर्दू बोलने वालों ने पूरे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की खातिर अपने घर बार छोड़े और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज था, खा वो पंजाबी था, खा वो पख्तून था, खा वो बलोच था, कि उसको वो अपने साथ जगह देता। लेकिन ये सिंधियों की कुशादा दिली थी और उनका बड़ा दिल था कि सबसे ज़्यादा उनको जगह सिंधियों ने दी और अपने गले से लगा लिया। और आज यहाँ पे ये शिकवा भी हमें सुनने को मिला कि यहाँ पे वो सिंधी अकलियत में बदल गए हैं। इसी तरह आप देखें कि ये मिनी पाकिस्तान हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये बलोच का भी शहर है और ये उर्दू स्पीकर का भी शहर है और ये पख्तून का भी शहर है और ये पंजाबी का भी शहर है। लेकिन बहरहाल जिस वसीउल कल्बी का आप लोगों ने मुजाहरा किया है और जिस बड़े दिल के आप मालिक हैं, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बड़े दिल के मालिक